दूध बना है खून मेरा, खून आग बन जाएगा, जो हमसे टकराएगा जलकर खाक हो जाएगा। है समंदर सीने में तूफान लिए हम जीते हैं, आग ही हम खाते हैं और आग ही हम पीते हैं। वाह 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 वाह, अब एक इस बच्चे की चौथी क्लास की कॉपी से शायरी उठाइए, इससे अच्छी तो आजकल के इंस्टाग्राम के छपरी बना लेते, भले ही वो अपनी शायरी के बाद सबसे गाली जरूर खाते। और क्या बोल रहे, दूध बन जाएगा खून, खून का तो पता नहीं, नाली में जाएगा मर, अगर दोबारा दूध को खून और खून को आग बनाने की सोचे भी तो। दूध बना है खून मेरा, खून आग बन जाएगा, आग ही हम खाते हैं और आग ही हम पीते हैं। आग क्या, तेरे बाप का माल है, उसे ही खाता है उसे ही पीता है, नाना धोना भी उसी से कर लिया कर, पानी जैसी कोई चीज तो धरती पर है ही नहीं। ये तो वही अपना जुबा केसरी वाला है, जो अपनी जुबा से हमें केसरी खाने को बोलता है और जो नहीं खाता उसे फुटबॉल बनाकर खेलता है। अभी हम फुटबॉल में कभी आगे नहीं जा पाए क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं हम आदमी से, खिलाते हैं हमको बॉल से। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। रियल टैलेंट तो हमारे मिथुन दादा के पास है, जो जिस जानवर को भी देखते हैं उसका टैलेंट कॉपी कर लेते हैं, और लो इस बार तो घोड़े की आत्मा इनके अंदर प्रवेश कर लिया है। समझ नहीं आता मिथुन दादा सच में ये पागल हैं या फिर पागल होने की एक्टिंग करते हैं, क्योंकि कभी घोड़ा बन जाते हैं, बंदर बन जाते हैं, कभी तो नाग भी बन जाते हैं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में उड़ना तो ऐसे हो गया है जैसे टाई की चपरी पर चाय मिलना है, एकदम आम बात। फिर चाहे हीरो को उड़ना हो, गुंडे को उड़ना हो, ग्रेविटी को उड़ाना हो, एरोप्लेन को क्यों ना उड़ाना हो, ये सबको उड़ा देते हैं, और इन सब के बीच इनकी इज्जत कब उड़ जाती है इन्हें खुद ही नहीं पता चलता है। ओहो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये स्त्री है, ये कुछ भी कर सकती है। बात सही है। और जहाँ तक बिना हाथ लगाए उड़ने की बात रही तो बिना मेकअप के देखने की बात हो, कोई और भी होता तो वो भी ऐसे ही उड़ जाता। ये फिर आ गया जुबा केसरी वाला, सच्ची बता रहा हूँ, जितना इस अकेले ने ग्रेविटी की इज्जत लूटी है, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए भोजपुरी वालों को 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। ये अपने हर एक सीन में फिजिक्स का फंडा तार करने में लगा रहता है। लो आ गए जिसने पूरी जिंदगी लॉजिक को मिटाने में लगा दी, हमारे मिथुन दादा, जिन्हें देखकर गुंडों की फटके हाथ में आ जाती है, लेकिन इस गुंडे को मारने का तरीका देखकर मेरी फटके 4 हो गई है। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूं? अच्छा हुआ आयरन मैन की लड़ाई थेनोस के साथ ही हुई थी, मिथुन दादा के साथ हुई होती तो ये तो शरीर के उनके सारे अंचर पंचर ढीले कर देते। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हीरो फिल्म में एक दो गलतियां करता है, लेकिन हमारे मिथुन दादा की फिल्म में एक दो सही चीजें होती है, बाकी सारी गलतियां ही होती है। ऐसे ही अपने को लगता है कि ये इस सीन से बुरा कभी कुछ हो ही नहीं सकता, तभी मिथुन दादा अपना दूसरा सीन हमें दिखाकर बोलते हैं, एक नजर जरा इस पे तो डालो। अच्छा, मुझे अपने दांत भगा ले, चलो बस। ठीक है, क्या कर रहा है भाई, लड़की कितने प्यार से भागने को बोल रही है, जब एक बार के लिए कुत्ते पे भरोसा कर सकते हैं तो इस पर क्यों नहीं कर सकते हैं? ये क्या कुत्ते से ज्यादा गिरी हुई थोड़ी है? यस यस, मुझे अपने दांत भगा ले, चलो बस। तू पागल है क्या? अबे क्या क्या, इस जगह से भगा के लेके जाने को कहा था, इस दुनिया से थोड़ी कहा था। अरे मिस्टेक हो गया सर, एकदम वॉलंटियर हो गया। अब बेचारा भाई भी क्या करे, लड़की ने कह दिया है तो मानना तो पड़ेगा। थैंक्स, भाई ने तो सबका भला सोचते हुए लड़की को कुदाया, लड़की मेरी तरह किसी और की जिंदगी बर्बाद ना कर दे, ऐसी सोच थी हमारे भाई की। बस बुलाएगा क्या?
इसने क्या तेरा बचपन में फुटबॉल चुरा लिया था जो इसे फुटबॉल की तरह हवा में उड़ाया जा रहा है, नीचे आ रहा है फिर उड़ा रहा है, और ये क्या ऊपर जाकर चांद की चक्री काट रहा है, क्योंकि इतनी देर में तो ये हीरो धरती पर चक्री काट कर बाकी गुंडों को हवा में चक्री कटा रहा है। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। मिथुन दादा को बचाना है लकड़ी से बंधी दो लड़कियों को जिनके नीचे जल रही है चिता। तभी मिथुन दादा यूज करते हैं अपने 250 ग्राम का भेजा और हाथ में लेकर मोटा रस्सा जाते हैं कूद जंग के मैदान में। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मिथुन दादा की बाइक को बीच में मिर्गी के दौड़े पड़ गए, इसलिए मिथुन दादा को आगे अकेले ग्रेविटी की बेइज्जती करने जाना पड़ेगा। अब देख तू गया बेटा, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। और लो, हमारे मिथुन दादा ने तो इस काम को एकदम सुसंपन्न तरीके से निभाया है। बहुत ही बढ़िया। अब क्या होना था, मिथुन दादा लग जाते हैं अपने शादी का रिश्ता करने फिक्स, इसलिए सबसे पहले सामने की दीवार पर रस्सी को कर देते हैं फिक्स, और फिर क्या था, लड़कियों को रस्सी के द्वारा इधर से उधर एकदम ट्रांसफर कर ही देते हैं। अगर किसी चीज की बेइज्जती करने में कोई कमी रह गई है तो बता दो, मिथुन दादा अगली बार उस कमी को भी पूरा कर देंगे। ऐसो से पुलिस का मुंह बंद करवा सकते हैं, ये कहावत तो आज तक सुनी थी, लो अभी अपनी आंखों से भी देख लो। चल लो का पीछा भी दे। चाबी? हाँ हाँ। चला जा। थैंक यू बंजारा। 200 की तीन पत्ती हो गए 300, अबे इससे ज्यादा तो बिना हेलमेट के घूम रही जनता से लूट लेते। और यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 300 रुपए के लिए अपना ईमान बेच दिया, इनका बस चलता तो ये अपनी इज्जत भी बेच देते, लेकिन क्या करें, इनकी इज्जत तो है ही नहीं। घर वालों ने खिलौने की ट्रेन नहीं दिलाई तो क्या हुआ, ये तो असली ट्रेन से खेलने आ गया है, और खेल देखने के लिए तो लोगों की भीड़ भी जमा हो गई है। सब एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे को देखो, लेकिन बचाएगा कोई नहीं, क्योंकि बचाएंगे तो सिर्फ हमारे कुली भैया वरुण धवन। वाह क्या सीन है जी, घंटा ट्रेन चले फास्ट, उससे तेज तो हमारा वरुण धवन की भागने की गति है, जो कि चलती ट्रेन के ऊपर कूद गया और ट्रेन के ऊपर ट्रेन से भी तेज भागने लग गया। अभी तो इसने सिर्फ ट्रेन की बेइज्जती की है, आगे आगे देखो, ये तो पूरी लॉजिक की बेइज्जती ना करते तो क्या बात। शिट, ट्रेन के नीचे फिल्म के डायरेक्टर को आना था, लेकिन फिर से ट्रेन के नीचे लॉजिक ही आ गया। ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। न्यूटन बेचारा जिंदगी भर सोचता ही रह गया कि ग्रेविटी की खोज में कोई कमी तो नहीं रह गई, और वो कमी भोजपुरी वाले ढूंढ ढूंढ कर न्यूटन के मुंह पर फेंक रहे हैं। अबे ये उजड़े चमन की खेती को कौन समझाए कि बेटा फुटबॉल से खेलो, फुटबॉल लेकर हमारे सबर की शक्ति से मत खेलो। और क्या गमाल का गोल किया, एक तो उड़ के चला गया, बाकी को उड़ा के चला गया। अब इन्हें कौन बताए कि माल फूंक कर ये हरकत सिर्फ सपनों में करना अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। गाली तो ये सबसे सुनेंगे, छोड़ेंगे तो किसी के बाप को भी नहीं। अच्छा खासा एक्शन सीन चल रहा था, लेकिन तभी अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया और बाइक को यमराज का रथ बना दिया। अलेक्स, कोई कमी रही है तो वो भी पूरी कर लो, इतना बवासीर देख ही लिया है तो बाकी भी हम सहन कर ही लेंगे। VFX की तारीफ करना तो रहने ही देते हैं, वरना बचा हुआ दिन भी बर्बादी के भेंट चढ़ ही जाएगा। अब तो पक्का यकीन हो गया कि मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ, जब ये सिंगल पसली इनको हवा की सैर कराकर अपने आप को हीरो बता सकता है तो मैं भी जिंदगी में कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम तो कर ही सकता हूँ। चुप कर बे कुत्ते। एक
हिंदुस्तानी आज तुम सबको दौड़ाएगा और पूरा हिंदुस्तान तो तेरा मुल्क बह जाएगा। ये मूवी में ज्ञान तो ऐसे फैलते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा कर देंगे तो रातों रात पाकिस्तान का नाम ही मिटा देंगे। डायलॉग तो ऐसे मारते हैं कि सुन रहे बंदे के कान से खून की नदियां ही बहा दें। सबर कर तेरी भी कुत्ते की मौत आ रही है, तू ये ज्ञान अपने बाप को पहनना, तू अपनी आखिरी इच्छा सोचनी शुरू कर दे। आज तो साबित कर ही दिया कि दिमाग तो घुटनों में है, इससे एक इंच भी ऊपर नहीं है। क्या हुई? अगर सच में दिमाग जैसी कोई चीज होती तो धक्का देकर हीरो की जान बचाती और खुद की भी जान बचा सकती थी, लेकिन नहीं, ये तो गोली के आगे ऐसे कूदी है जैसे भंडारे में मुफ्त का खाना देखकर लोग कूदते हैं। एलेक्स यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि हीरो आतंकवादियों को पकड़ने पाकिस्तान आया है, तमाम लोगों को लट का स्वाद चखाकर, कभी गोली का स्वाद चखाकर हीरो इंडिया इन्हें वापस ले ही आता है। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये इससे अच्छी तारबंदी तो हमारे खेत की है जहाँ एक जानवर भी कदम नहीं रख सकता है, और यहाँ पर तो दो दो जानवर साथ में उड़ के आ रहे हैं, और सॉरी मेरा मतलब है कि दो आदमी साथ में उड़ के इस तरफ आ रहे हैं। मेरे सेंस ऑर्गन हैंग हो गए भोजपुरी मूवी में सेंस ढूंढते ढूंढते, लेकिन इसमें तो ऐस भी नहीं मिला, मिला तो सिर्फ नॉन सेंस मिला। एक बार हमारे हाथ खोल कर देख तो के अपन धूल जटा जटा के ना मार ली। वेलन है जी, बेकूफ नहीं, हाथ पकड़ने के लिए बांधे हैं, कोई आपके कहने पर खोलने के लिए नहीं। अबे उजड़े चमन की खेती, जब हाथ खुद खोल सकता था इतनी देर से क्या बकबक करे जा रहा था। लो जी की धज्जियां उड़ रही हैं और हमारे बच्चन साहब ने, ऐसा हो सकता है क्या? मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है, देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। बस करो बच्चन जी, इतना भी सेंटी नहीं होना था, ये मूर्ख वाली बात करना रहने दो, मेरी बात मानो, ये सिर्फ एक कपड़ा है, कपड़ा कोई कैप्टन अमेरिका की शील्ड नहीं। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल बात को समझा करो। घर वाले भले ही मुझे बेवकूफ कहते हो, लेकिन यहाँ मैं समझदारी वाली बात कर रहा हूँ। चुप कर बे कुत्ते, जितना महंगा तो आजकल प्याज नहीं मिलते, उससे ज्यादा कई महंगा पड़ने वाली है आपको ये आपकी बात। बीबी वक्त है जी, अपना शब्द वापस ले लो। डन जी, आज का डिनर तो यमराज के साथ ही करेंगे। अगर जिंदगी के असली मजे ले रहे हैं तो वह हैं भैया भोजपुरी फिल्म के विलन, जो कि ज्यादा नहीं तो एक दो फटके तो हीरो को लगा ही देते हैं, और ये भोजपुरी वाले तो गाना भी गा लेते हैं। और एक आजकल के लोंडे हैं जिनकी शक्ल ऐसी होती है तो वह तो मैं अपने माँ बाप पे केस कर चुका हूँ। और एक ये है जो लड़के के साथ गुटरगु कर रहा है। ये। जाने मिथुन दादा ने अपने एक्शन सीन दिखाकर कितनों को मौत के घाट उठा रहे, लेकिन जब बारी खुद की आती है तो चिटिंग का सारा ले लेते हैं। अब यहाँ पर होता है ऐसा कि काला चश्मा गुंडे इस बंदे को मारता है लात, ये उछल कर जाता है थाली पे, थाली जाती है उछल के हवा में, हवा में उछल के लोटा जाता है थाली से अलग, और लोटा जाके गिरता है मिथुन दादा की चिता के ऊपर, और लोटे का पानी का एकदम सक्सेसफुली कनेक्शन हो जाता है मिथुन दादा के मुँह से, और पानी जाता है मिथुन दादा के मुँह में। अच्छा ठीक है, समझ गया। और पानी से मिथुन दादा का हो जाता है पुनर्जन्म। समझ नहीं आता आजकल के लोग भी पानी के लोटे में क्या क्या भर के रखते हैं। तो जी हमारे मिथुन दादा हो गए हैं खड़े, हाथ में पहन लिया लोटा, अब सबको देंगे लेटा। अब तो पक्का यकीन हो गया जी कि मिथुन दादा के लोटे में कुछ और था, तभी तो मिथुन दादा उठ गए और साथ में वही पदार्थ इन्होंने पी रखा, तभी तो पूरा शरीर खाली पड़ा है, लेकिन मारेंगे तो सिर्फ लोटे पर ही। अबे मिथुन दादा से लड़ने आए हो कि लोटे से लड़ने आए, पहले ही फैसला कर लो, लोटा चाहिए कि मिथुन दादा चाहिए। अजी थू है तुम्हारी जिंदगी पे, तुम्हारे हाथ में तलवार, उसके हाथ में लोटा, फिर भी तुम उसकी जिंदगी का नौखाड़ पाए कुछ घंटा। Oh
हाँ ग्रेविटी दहेज में मिला तोहफा, जिसे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और विलन भी पता नहीं कौन सा माल फूक कर आया है। गोलियां सारी जगह चल रही हैं, चाहे हीरो के आगे हो पीछे हो ऊपर हो नीचे, लेकिन मजाल है जो एक भी गोली हीरो को छू ले। साले मजाक बना के रखते हो। जितनी दूरी कोरोना से बनाई थी उतनी दूरी इनसे बना के रखो, क्योंकि दोनों में खराब तो दिमाग होना हमारा ही है, लेकिन एक चीज है जिससे आपका दिमाग खराब होने की बजाय और सही हो सकता है, वो है वीडियो को किया गया आपका लाइक और चैनल को किया गया सब्सक्राइब का बटन। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो जो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूल। हम मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में।